उत्तराखंड परिवहन विभाग में कार्यरत और रिटायर्ड कर्मचारियों के भुगतान में लगातार हो रही अवैध कटौती से परेशान कर्मचारी यूनियन ने उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध चुनौती दी, जिस पर न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कटौती पर रोक लगा दी। लेकिन परिवहन विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारी अभी भी न्यायालय के फैसले को धता बता रहे हैं। भ्रष्टाचार की सीमा पार कर चुके अधिकारी उत्तराखंड परिवहन निगम में कार्यरत और रिटायर्ड कर्मचारियों के भुगतान में लगातार अवैध कटौती से बाज नहीं आ रहे, जिससे परेशान यूनियन पदाधिकारियों ने इसकी शिकायत उच्च न्यायालय में की, जिस पर उच्च न्यायालय ने रिटायर्ड कर्मचारियों और कार्यरत कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाते हुए भुगतान में हो रही कटौती पर रोक लगा दी। लेकिन अधिकारी फिर भी कटौती से बाज नहीं आ रहे, जिस पर अधिवक्ता एमसी पंत ने कहा कि इसके विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की जाएगी, जिस पर न्यायालय ने इसे स्पष्ट अवमानना माना। लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। कंटेंप्ट लगाया हुआ है, कंटेंप्ट में माननीय न्यायालय हियरिंग कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, कुछ मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय की एकलपीठ फैसला देख चुकी है कर्मचारियों के पक्ष में, उसके विरुद्ध में जो है रोडवेज जो है वहाँ डिवीजन बेंच के सामने गए हैं, वहाँ पर भी उन लोगों को कोई कोर्ट ने यही पूछा कि आप फर्क का वो बना के दीजिए कि आपने कैसे काटा, तो वहाँ पर भी रोडवेज जो है वो स्पष्ट करने में असमर्थ रहा है, तो वो भी मामला पेंडिंग है। लेकिन हमारा ये कहना है कि क्यों इतना पैसा वो कोर्ट कार्रवाई में बर्बाद कर रहे हैं, जो चीज़ें वहीं पर इस तरह से सुलझ जानी चाहिए कि जब उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ चुका है तो उसका सम्मान सबको करना चाहिए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।